पति के साथ अपने सुहाग की सेज पर और दूसरी आधी रात को घायल अवस्था में सड़क पर भटक रही थी। क्या माजरा था? कौन थी ये सीमा जो अनुपमा के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी? क्या वजह थी कि हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही वो खून से लथपथ थी? कहां से आई थी वो? कौन थी? क्यों आई थी? ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीनों पहले। ये खाना बनाया? अच्छा, कुत्ते भी नहीं खा सकते। पर काका जी, डॉक्टर ने कहा है ना आपको कम नमक खिलाने के लिए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस मुसीबत से। ये बड़ी हो गई है, आज तक ना खाना। अरे तुलसी राम, राय हुए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं मौसी, 22 साल की घोड़ी हो गई है लेकिन आज तक रोटी सब्जी तक ढंग से बनानी नहीं आती है। फिर ब्याही छोरी नहर में बैठी रहेगी तो जंग तो लग ही जाएगा ना उसके काया में। मेरी मानो, ससुराल भेज दो, वहाँ सास ही जाके मशीनें में तेल पानी करेगी। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ मौसी, पर कोई भी मोड़ा मोटी रकम के बिना राजी ना है। जाऊंगा आज शाम को, हो सकता है बात बन जाए तो मेरी जान तो छूटे इस कलेश से। और सुन, शाम को दुकान पर पहुँच जाइए टाइम से, समझी के ना? जी। कहा था शाम को टेम से आ जाइयो, पता नहीं क्या करते रहते दिन भर घर पे बैठे बैठे। दादा ये क्या हिसाब है? और ताजा है? देखो कैसे घूर रहा है हमें। मरते मरते जवानी जोश मार दी है ना। दादा ये लीजिए जल्दी से, चलो जल्दी। कहाँ मर गई थी? आप फुर्सत मिली तो यहाँ आने की? राशन की दुकान पर जाना था। जा दिन तेरे को कोई काम बता दो ना, बाय दिन तेरे को राशन बासन सब याद आ जाता है। अंदर बैठ। पर रात को दुकान का ताला अंदर लगा कर जाइयो, समझी? अरे बधाई हो तुलसीराम, बधाई हो। अरे मैं तो तुम्हें नीरा काट का उल्लू समझती थी, मगर तुम तो बड़े चिड़ी बाहर निकले। बहुत बढ़िया सौदा किया, दहेज भी नहीं लाना पड़ेगा और इस बला से भी छुटकारा हो जाएगा। बड़ा व्यापारी दिमाग लगाया है। अरे मौसी, जब तक काम ना हो जाए ना, ढोल पीटने से क्या फायदा? क्यों तू ये सब काम छोड़, अंदर जा, पाउडर वाउडर लगा के तैयार हो जा, चल। जी, अरे अब खड़े खड़े मुंह का देख रही है, जा जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग तेरे को देखने आ रहे हैं। मुझे देखने आने वाले? अरे तो ये का देखना, तू तो उनको पहले से ही पसंद है। बस आका की बात कर मुझे, वो बड़े समझदार है, बड़े दयालु है और इस उम्र में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा। देख लो जी, ये है हमारी अनुपमा। अरे इसको का देखना है, फोटो तो देख ही चुके हैं, बाकी तो तुलसीराम के बात पर बात बनी है। भाई हम तो चाहें कि शादी जे जल्दी हो जावे,
ताकि आपका भी भला हमारा भी भला। अरे बहू को शगुन तो दो। जी हाँ। ये रहा शगुन का कड़ा। अब अनुपमा हमारी हुई, कल आप भी आ जाइए, आपका भी शगुन होना है। हाँ जी बिल्कुल, पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। अभी तक तेरी सब्जी नहीं कटी, धंधा निपट जाए ना तेरा तो एक अच्छा सा कुर्ता इस्त्री कर दियो, कल जाना है। जी। जाते जाते एक गिलास और पानी दे जा। ये कंगन और ये पायल, ये कंगन तो मेरे माप के नहीं है। काका, वो जो कपड़े के साथ में कंगन रखे वो मेरे माप के तो नहीं है। इस घर में हर चीज तेरे काजे थोड़ी बनी है, कल शगुन में देने। शगुन? शगुन तो लड़के वाले देते हैं ना। जिस रोज तेरा भी गौतम से होगा ना भाई, रोज मेरे भी फेरे तेरी सास की भतीजी के साथ होंगे। अनाथ है ना बेचारे, ससुराल वाले बोझ नहीं उठा पा रहे, मैंने कहा मैं ही बोझ हल्का कर दूं। ऐसा काम किया है ना कि दहेज भी ना देना पड़े और मेरा भी घर बच जाए। ये है तेरी काकी सीमा, मिले ना तो देख नमस्ते करियो। हैं काका, इसकी उम्र कितनी है? यही कोई 18-19। 18-19? काका ये तो मुझसे भी 4 साल छोटी है, ये तो बच्ची है। अरे बावरी हो गई है तू, जब हमारी अम्मा 18 बरस की थी ना तो के 4-4 बालक थे, 4-4। काका, तुम सच में ब्याह करोगे? लो, तो ब्याह भी क्या झूठ मूठ होवे है? काका, मैं ब्याह के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन सीमा बहुत छोटी है ना। तू काहे दरोगा बन रही है? हैं? जाके चाय लेके आ, वरना सर फोड़ दूंगा जबान चलाई तो। जा जल्दी। उम्र देखी जाती है छोरे की और मरद बच्चे की ताकत देखी जाती है। अरे अपना खुद का मकान है, अपनी दुकान है और आंटी में 1-2 लाख भी होगा और क्या चाहिए। पर मौसी जी, क्या सीमा राजी है इस ब्याह के लिए? छोरी की राजी गए राजी ना चले है, अच्छा ही है ना। अनाथ बच्ची है, बोझ है अपनी बुआ पर, 2-2 मुंडियों का घर बसा देगी, ना कुछ लेन देन भी नहीं कुछ भी नहीं, बड़ी ऊंची रकम है तेरा काका। हाँ, क्योंकि सीमा बालिग थी इसलिए उसका विवाह गैर कानूनी नहीं था, लेकिन एक लड़की 50 साल के पुरुष से घर वालों के दबाव में आकर अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करे तो ये गुनाह है, अनैतिक है, एक तरह का सौदा है। ये बात अनुपमा समझ सकती थी लेकिन बाकी लोग नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ थे। अनुपमा के काका तुलसीराम को एक नवयुवती के साथ शादी का लालच था और अनुपमा के ससुराल वालों को बस अपने सर से बोझ उतारना था। ये कैसी मानसिकता है जहां एक लड़की को या तो बोझ समझा जाता है या फिर महज जरूरतें पूरी करने का साधन। अनुपमा और सीमा दोनों ही इस शादी के खिलाफ थे लेकिन दोनों मजबूर थे और बाकी सब लोग इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वोत्तजा मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलो, रीति रिवाज तो खत्म है, अब देखना ये है कि दुल्हन बनके तुम लगती कैसी हो। बहुत खूबसूरत, ब्याह से खुश तो हो ना? एक दिन दो लड़कियां, दो रिश्ते, दो शादियां, लेकिन दोनों के अंजाम अलग। जहां अनु का ये कृत्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, सबसे पहले तो एक लड़की का सौदा करना, उम्र में 30 साल का फासला होने के बावजूद उसकी मर्जी के खिलाफ उस लड़की से शादी करना, और फिर इस तरह की क्रूरता, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन सीमा की इस हालत के लिए उसका परिवार भी बराबर का दोषी है, जिसने लड़की को बोझ समझा और सब कुछ जानते बूझते हुए उसे नर्क में धकेल दिया। और अफसोस कि जो कुछ सीमा के साथ हो रहा था वो हमारे देश में अनगिनत महिलाओं के साथ होता है। लेकिन चूंकि हमारे देश में पति द्वारा बलात्कार के खिलाफ ना तो कोई स्पष्ट कानून है और ना ही किसी तरह की सजा का प्रावधान, इसलिए पुलिस में इस बात की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। अरे तो हमें क्यों ताने देते हो? ऐसे मरत हो तुम, एक लुगाई न संभाली जावे। देखो भैया, हमने उसे तुम्हारे पल्ले बांध दिया, अब उसे पीटो या पूजो, सब तुम्हारे हाथ में। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा हमारे घर में लौट के नहीं आनी चाहिए। देखो भैया, इसमें हमारी नाक कम तुम्हारी नाक ज्यादा कट जावेगी। समझे? हाँ हाँ, हम समझ गए, आगे से मैं ध्यान रखूं। तू यहाँ क्या कर रही? सीमा कहाँ है? मुझे उसे कहा लेना जाए, तू वापस अपने घर जा, यहाँ क्या कर रही है? किसे पूछ कर गई थी वहाँ? अगली बार घर की चौखट बिना पूछे पार की तो जीवन भर वही रहना जो अपने कमरे में। भारत में आज भी तकरीबन 70% महिलाएं कभी ना कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। हर 9 मिनट में कोई स्त्री अपने पति या रिश्तेदारों के हाथों मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित की जाती है, और ये सब उस देश में जहाँ औरत को देवी का दर्जा दिया गया। हालात गंभीर है, और इसीलिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। लेकिन फिर भी ये अपराध बदस्तूर जारी है, क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने से हिचकिचाती हैं। घरेलू हिंसा को शुरुआत में ही ना तो गौतम ने रोका, ना उसके घर वालों ने, सबने उससे पल्ला झाड़ लिया, और अनुपमा के विरोध को भी दबा दिया गया, उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि अपराध होते हुए देखकर भी खामोश रहना खुद अपराध में भागीदारी करने के बराबर? मायके में अनाथ और ससुराल में अशक्त अनुपमा चुप रहकर आंसू बहाने को विवश थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस खामोशी का कितना भयंकर परिणाम होने वाला था। अनुपमा, 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 सीमा, क्या हुआ तुम्हें? इधर सीमा, क्या हुआ है तुमको? पेट से हूँ, पर यही डर लगा रहता है कि जो हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। बच्चा तो दूर, किसी दिन हम ही ना मर जाए। हम तो ये कंगन भी नहीं बेच सकते, ये भी झूठे हैं। कुछ पैसों को इंतजाम करो ना, ताकि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाए। तुम पागल हो क्या? कहाँ जाओगी तुम? पर तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। चलो,
समझती क्यों नहीं है माँ बनने वाली है। अरे जब एक औरत पेट से होती है तो राह चलता आदमी भी उसे हमदर्दी देता है। फिर ये तो आपकी अपनी है ना, आप इसे यहाँ रहने दीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर वो फिर काका के पास चली गई तो अपना बच्चा खो देगी। कोई मजाक है, बिना पति को बताए ये ऐसे कैसे महके में रहेगी? और हम इसे इस तरह नहीं रख सकते, हमारे भी नाक का सवाल है। हाँ, कि आपकी नाक इसके और इसके बच्चे से बढ़कर है। आप तो कुछ बोलिए। हमारे ख्याल से अनु तुमने अच्छा किया सीमा को यहाँ लाया। अच्छा तो तू भी इसकी पट्टी में आ गया, पर दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेगी दुनिया बाबूजी, हम सबसे कहेंगे कि सीमा पेट से थी, उस दिन मैके रहना चाहती थी, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर ये आम बात है, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दीजिए, थोड़ी तबीयत दुरुस्त हो जाए तो फिर हम सब मिलकर सोच लेंगे कि तुलसीराम का करना क्या है। अनु सीमा को अंदर ले जाइए। जानवरों को जैसा बर्ताव किया उसके साथ तुमने, अभी उसकी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अरे ठीक तो हमने पहले नहीं किया था, हमारे पल्ले बांधने से अच्छा तो फेंक दिया होता सीमा को कुएं में। अब जाओ यहाँ से, निकालो सीमा को, बुला बहुत देखा, हिम्मत तो देखो इनकी, गर्दन ऊंची करके चले आते हैं सीमा को लेने। तुम चिंता मत करो ना, और सीमा से कह दो जब उसे कोई हाथ नहीं लगा पाए। अरे क्या करूं, इतने समय से तुलसीराम को फोन लगा रहा हूं लेकिन फोन लग नहीं रहा है। देखिए ना, कोशिश तो कीजिए, फिर से लगाइए फोन। कोशिश करता हूं। फोन लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, घंटी जा रही है, ये उठा के उन्हें राय। हेलो 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 तुलसीराम, ये बहुत बढ़िया नाटक किया तुलसीराम, कल आकर के उसे घर से ले जाना। अरे हाँ हाँ, अनु को कहीं बाहर भेज देंगे, बस फोन मिलते ही आ जाना। और एक बात कान खोल कर सुन लो, फिर कभी उसे घर से बाहर मत निकलने देना। एक बात बताओ तुलसीराम, तुम इतने पहुंचे हुए तो अपनी भतीजी को दुनियादारी काहे नहीं सिखाई? सिखाएंगे भाई किशनलाल, सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, उसी के कारण इसे नाटक करना पड़ रहा है। अरे पुलिस में जाने की बात कर रही थी। देखो भैया, हम तो ब्याह चुके हैं, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वो मरे या जिए हमें कोई मतलब ना है, समझे? हाँ ठीक कहा भाई, अब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फोन रखता हूँ। ठीक कहा ना बेटा? अच्छा कहा बाजू, इसी तरह ये अपने घर जाए और रात की सांस ले, फिर हम ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि सीमा खुद ही घर जाना चाहे। बस एक काम करना है कि फिर अनु को उससे मिलने नहीं देना। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लोग कल तुम्हें फिर काका के पास भेजने वाले हैं, और आज इन्होंने जो भी नाटक किया ये सिर्फ तुम्हें और मुझे गुमराह करने के लिए किया। अगर तुम अपनी और अपने बच्चे को जिंदगी देना चाहती हो तो तुम्हें कल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हम कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, सबके उठने से पहले मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, ताकि अगर कोई भी हमें अकेला देखे और पूछे तो हम कोई भी बहाना बना सके। तुम ये सब क्यों कर रही हो? होने तो जो मेरे साथ हो रहा है।
तुम मेरी वजह से अपना जन्म अपना परिवार क्यों बर्बाद कर रही हो? और मेरी मानो तो ये पुलिस का चक्कर छोड़ दो और मुझे यहाँ से भाग जाने दो। तुम पागल हो गई हो क्या? भाग जाने दो और ऐसी हालत में कैसे जी पाओगी? हमें कल ये बात पुलिस तक पहुंचानी होगी। बाकी या तो काका सुधर जाए या कम से कम तुम्हें पुलिस की सुरक्षा मिले। और कल तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी, समझी? ठीक है, मैं सुबह 5 बजे तुम्हें कुएं के पास मिलूंगी। अभी तुम आराम करो। अरे अम्मा, सीमा को खीर दी, उसे तो काफी पसंद है। हाँ, सबसे पहले उसी को तो दी है, पेट से है, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। कहा हुआ अनु, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, सीमा भी यही है, खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खाओ और फिर खीर भी खा लेना, जाके थोड़ा आराम कर लेना। ये तो 8 बज गई, 5 बजे तो मुझे सीमा को मिलना था। कितनी देर हो गई, पता नहीं वो कहाँ होगी। अनु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सीमा कहीं चली गई है, वो मुझे सुबह 5 बजे मिलने वाली थी। सीमा क्यों मिलने वाली थी तुमसे? नहीं जाने वाले थे क्या तुम लोग? अरे आ रहे हैं क्या? दरवाजा तोड़ डालोगे? तू और क्या? सीमा सीमा कहाँ है? सीमा मैं क्या पता? झूठ बोलते हैं आप। आप उसे आज आने वाले थे ना मेरे घर पे लेने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में। क्या किया आपने सीमा के साथ? कहाँ है सीमा? कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे? छुपाया भी या फिर मार दिया? बोलो ना क्या किया है? ना हम तेरी ससुराल गए हैं और ना सीमा को लेकर आए हैं, समझी? अनु घर चलो, यहाँ तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने किया है गौतम, मुझे अंधेरे में रख के सीमा की जिंदगी को खराब करके। सारी बातें सुननी थी मैंने तुम लोगों की। बोलो ना क्यों किया ऐसा? क्यों दिलाया मुझे सीमा को दिलासा जब तुम्हें उसे इसी नरक में भेजना था? तो अरे तो क्या करते हम, अपनी जिंदगी नरक बना लेते? काहे से इतरा जाती समाज में हमारी? देखो अनु, सीमा यहाँ नहीं है इसका मतलब कहीं भाग गई होगी। अभी घर चल, उसके आने पे सोचेंगे ये क्या करना है। पेट से
पर यही डर लगा रहता है कि जो हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। बच्चा तो दूर, किसी दिन हम ही ना मर जाए। कुछ पैसों का इंतजाम करो ना, ताकि अब यहाँ से बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर। नहीं, सीमा कहीं भाग नहीं सकती, ना उसके पास कोई ठिकाना था और ना कहीं जाने के पैसे। फिर कहाँ गई होगी सीमा? जरूर उसको काका ने कहीं छुपाया होगा। तो आप अपने ही काका के खिलाफ रपट लिखवाना चाहती हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वो इंसान नहीं, राक्षस है वो। जब पहली रात को सीमा घर पर आई तो हर जगह बस खून खून लगा हुआ था, और उसने सीधा कहा था कि मुझे काका के पास वापस नहीं जाना। लेकिन फिर भी मेरे बाबू जी ने और मेरे पति ने उसे जाके वापस छोड़ा। लेकिन जब दूसरी बार वो मुझे मार्केट में मिली, तब मैं उसे घर पर ले आई। और जब अगले दिन हम यहाँ रपट लिखाने के लिए आने वाले थे, तो पता नहीं वो कहीं गायब हो गई है। लेकिन आप कह रही है कि सीमा आपके काका के वहाँ नहीं है, हो सकता है कि वो वाकई में वहाँ से भाग गई हो, ऐसे उसने आपसे कहा था? सब मुझे यही कह रहे दरोगा साहब, लेकिन वो नहीं भाग सकती। अरे उसके पास कहीं जाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे तक नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए, जो औरत पेट से है वो बिना पैसे के कहाँ जाएगी? और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पर। जरूर उसे काका ले गए और काका ने कहीं उसे छुपाया है, या फिर कहीं काका ने उसे। आपको उसी वक्त यहाँ आ जाना चाहिए था जब उसे पहली बार पीटा गया। मैं जानती हूँ दरोगा साहब, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मेरे ससुराल वाले कभी मुझे ऐसा नहीं करने देते, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए दरोगा साहब। अब बता सीमा कहाँ है? सीमा कहाँ है? दरोगा जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ससुराल लेने जा रहा था। अनु बेटी ने आके बताया कि वो वहाँ भी नहीं है। मुझे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बताइए, वरना बसी हुई जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मैं सच बोल रही हूँ, वो कुछ ना पता है। तुलसीराम भी सुबह से घर पे ही था, हमरा के छोड़ दे हम आपके पाँव। अब तक तो इन दोनों ने कुछ नहीं बताया, लगता है कि इन्हें कुछ पता ना हो। लेकिन हमने आपके काका पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया, आप गवाही दोगी? हाँ, पर सीमा, मुझे लगता है कि वाकई में काका को कुछ पता ना हो, वरना कब का मुंह खोल देते। हम सीमा की खोज जारी रखेंगे। आप सोच कर बताइए, सीमा और कहाँ कहाँ जा सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पुलिस को बुलाने की? कटवा के रख दी हमारी, सात पीढ़ियों में कभी पुलिस ना आई हमारे घर। काश पहले आ जाती तो आज सीमा हमारे साथ होती। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आखिर कब तक बैठ के आपका अत्याचार देखती? बहुत हो गई तेरी समाज सेवा, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के नाचो। तू मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। तू चल अंदर, चल देखता हूं कैसे बाहर जाती है। जल्दी से नहा के निकलो
और कपड़े दे दो, मैं धो लेती हूँ। चल चल चल। गौतम और किशन को रात में यूं छिपकर घर आते देख और फिर सुधा को फौरन उनके कपड़े धोते देखकर अनुपमा को शक हुआ कि शायद उसके काका सच बोल रहे हैं और वो वाकई सीमा के बारे में कुछ नहीं जानते और शायद उसके ससुराल वालों ने ही सीमा को कहीं छिपा दिया है। लेकिन चूंकि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए उसने अपने ससुराल वालों पर निगाह रखना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद तुलसीराम को जमानत मिल गई लेकिन घरेलू हिंसा का केस अब भी चल रहा था। इस बीच सीमा की बात को सब लोग लगभग भूल चुके थे लेकिन अनुपमा अब भी नजरें गड़ाए बैठी थी कि कहीं से कोई तो सुराग मिले। कंगन और ये पायल सीमा के हैं और मुझे मेरी सास की अलमारी से मिले। और इतना ही नहीं, जिस दिन सीमा गायब हुई थी उसी रात मेरे ससुर और मेरे पति देर रात घर पे लौटे और उनके कपड़े पूरे धूल मिट्टी से भरे हुए थे और मेरी सास ने जल्द से जल्द जाके वो कपड़े धो दिए। जब मैंने देखा, जब मैंने उनकी अलमारी देखी, तब जाके मुझे कंगन और ये पायल मिले। दरोगा साहब, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस स्टेशन पे लाओगे? चलिए। देखिए जी, हम लोग शरीफ आदमी हैं, सब पता चल जाएगा। बेटा अंदर बैठो। सब साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। तुम लोगों ने सीमा के साथ क्या किया? आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? मेरी बहू तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है साहब। अच्छा, तो सीमा के कंगन तुम्हारी बीवी के अलमारी में क्या कर रहा था, बता। मैं बताता हूँ। हमने अन्नू और सीमा की बातें सुन ली थी पुलिस के पास जाने वाली। उस रात मैंने नींद की दवाइयां दी थी अन्नू की खीर में डालने के लिए अम्मा को। फिर जब सीमा कुएं के पास अन्नू से मिलने आई तो वहां अन्नू की जगह मैं खड़ा था। सीमा को लगा कि उसकी पोल खुल गई, वो भागने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए उसे पत्थर से मारा। उसके पेट पे चोट लग गई और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। सब लोग जागना चाहे इस डर से मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कोई जान ना जाए इस डर से मैंने उसकी लाश को एक सुनसान स्थान पर छुपा दिया और पुआल से ढक दिया। फिर उसी रात मैंने और बाबूजी ने उसकी लाश को एक गड्ढे में दफना दिया। बाबूजी लालच में आ गए और उन्होंने उसके पायल और कंगन निकाल लिए। तो इसी लालच ने तुम्हारा गुनाह सामने ला दिया। अपराधी चाहे कितने भी शातिराना ढंग से अपराध क्यों ना करे, कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है और बन जाता है उसके गले का फंदा। गौतम और उसके पिता को सीमा की हत्या के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुधा को भी इस अपराध को छिपाने के लिए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अनुपमा की गवाही के आधार पर तुलसीराम को घरेलू हिंसा का दोषी पाया गया और आज वो भी अपने किए की सजा भुगत रहा है। सभी अपराधी जेल में, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि क्यों हमारे समाज में आज भी नारी को बोझ समझा जाता है, उसके साथ गुलामों सा व्यवहार किया जाता है, सौदेबाजी की जाती है उसकी। जो जननी है, जो आने वाली पीढ़ी का निर्माण करती है, अगर समाज उस स्त्री को ही इज्जत नहीं देगा तो किसी और को क्या इज्जत देगा? और इतिहास गवाह है, जिस समाज में भी स्त्री का निरादर हुआ है वो समाज खुद बखुद नष्ट हो गया है। इसीलिए सावधान हो जाइए, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ
आवाज उठाई तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।